सो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से जो है वो तीन ऐसी मोनेटाइजेशन मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाला हूं, जिनकी वजह से अभी हाल ही में काफ़ी सारे ऐसे YouTube चैनल्स जिनका मोनेटाइजेशन इनेबल हुआ और इनेबल होने के एक हफ्ते के अंदर अंदर ही उनके YouTube चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो YouTube ने वापस से डिसेबल कर दिया, वो भी एक प्रॉपर रीजन के साथ। तो आखिर वो तीन कौन कौन सी मिस्टेक थी आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। साथ ही अगर आपका YouTube चैनल अभी हाल ही में मोनेटाइज होने वाला है या फिर हुआ है तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव और काम का हो सकता है। साथ ही इस वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी को इस प्रॉब्लम से निपटने का एक बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा काम की होने वाली है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिको, आप देख रहे हैं टेक रिको। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो सबसे पहली कॉमन मिस्टेक है जो कि मुझे मेरे सब्सक्राइबर से ही पता चली, जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और फिर अपनी पूरी स्टोरी बताई। दरअसल मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने एक पर्टिकुलर कैटेगरी पर अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया और उसे मोनेटाइज करवाया। मोनेटाइजेशन इनेबल होने के बाद उनके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं अपनी सभी पुरानी वीडियोज को प्राइवेट कर देता हूँ और उसके बाद अपने यूट्यूब चैनल पर नए सिरे से कुछ नई वीडियोज को अपलोड करता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि वह अपने यूट्यूब चैनल पर कुछ डिफरेंट तरह का कंटेंट जो है वो अपलोड करना चाहते थे, तो उन्हें लगा कि मोनेटाइजेशन तो अब YouTube चैनल का इनेबल हो ही चुका है, तो हम पुरानी वीडियोस को प्राइवेट कर देते हैं और नई वीडियोस को अपलोड करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने YouTube चैनल की सभी वीडियोस को प्राइवेट कर दिया, उसके कुछ टाइम बाद ही उनके YouTube चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो YouTube ने जो है वो डिसेबल कर दिया, और उसके बाद उनके YouTube चैनल में जो मोनेटाइजेशन वाला सेक्शन था वहां पर उन्हें वापस से जो है वो सब्सक्राइबर और वॉच टाइम का जो थ्रेशोल्ड है वो शो होना स्टार्ट हो गया। इसके बाद जब उन्होंने मुझसे बात करी तो मैंने उन्हें समझाया कि आपने जो है वो जिन भी वीडियोस को प्राइवेट किया है वो सभी की सभी वीडियोस को आप वापस से पब्लिक कर दीजिए, जिसके बाद आपका जो वॉच टाइम है वो वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सब्सक्राइबर तो उनके थे ही, जो वॉच टाइम था वो भी वीडियो को पब्लिक करने के बाद वापस आ गया, लेकिन यहाँ पर जो मोनेटाइजेशन है वो अभी उनका इनेबल नहीं हुआ क्योंकि उनका जो यूट्यूब चैनल है वो अंडर रिव्यू जा चुका था। अब उन्हें जो है वो मोनेटाइजेशन के लिए वापस से रीअप्लाई करना होगा, उसके बाद यूट्यूब जो है वो उनके यूट्यूब चैनल को वापस से रिव्यू करेगा और यूट्यूब को लगेगा तभी वह उनके यूट्यूब चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वह इनेबल करेगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो सेकंड केस है वो भी कुछ इसी तरह का सिमिलर केस ही है, जो कि मेरे अगेन एक दूसरे सब्सक्राइबर के साथ हुआ, जिन्होंने स्टार्टिंग में एक पर्टिकुलर कैटेगरी के साथ अपना चैनल स्टार्ट किया, उसी कंटेंट के साथ उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करवाया, लेकिन बाद में उन्हें ऐसा लगा या रियलाइज हुआ कि इस तरह का जो कंटेंट है उसमें उनका उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ना ही उतनी उनकी रुचि है, तो वो जो है वो अपने यूट्यूब चैनल का कंटेंट जो है वो चेंज करना चाहते थे। इसकी वजह से उन्होंने अपने YouTube चैनल की जितनी भी वीडियोस थी सभी की सभी वीडियोस को डिलीट कर दिया, और उन्होंने जैसे ही अपने YouTube चैनल से सभी वीडियोस को डिलीट कर दिया, डिलीट करने के बाद ही उनके YouTube चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो यहाँ पर वापस से डिसेबल हो गया। अब क्योंकि पिछले केस में वीडियोस प्राइवेट थी, हमने उन्हें वापस से पब्लिक कर दिया और सब कुछ सही हो गया, लेकिन इस केस में जो वीडियोस थी वो सभी की सभी डिलीट हो चुकी थी, जिस वजह से उनका जो YouTube चैनल था वो वापस अंडर रिव्यू चला गया था। अब क्योंकि उनकी जो वीडियोस थी वो भी पूरी तरह से डिलीट हो चुकी थी, इसलिए अब उन्हें जो है वो वापस से अपने YouTube चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम जो है वो कंप्लीट करना होगा, उसके बाद उन्हें वापस से मोनेटाइजेशन के लिए रीअप्लाई भी करना होगा, उसके बाद ही जो उनका यूट्यूब चैनल है वो अगेन से मोनेटाइज होगा। तो यहाँ पर दोस्तों थर्ड केस में उन्होंने ना ही तो अपने यूट्यूब चैनल से किसी भी तरह का कोई वीडियो डिलीट किया, ना ही किसी भी तरह का कोई वीडियो प्राइवेट किया, लेकिन यहाँ पर अगेन उन्होंने वापिस से अपने यूट्यूब चैनल के कंटेंट की कैटेगरी को चेंज करने के लिए पुरानी वीडियोज को तो एज इट एज पड़ी रहने दिया, लेकिन एकदम से जो है वो एक नए अलग कैटेगरी का जो कंटेंट है उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। अब स्टार्टिंग में तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद YouTube ने जो है वो वापस से उनके YouTube चैनल का जो मोनेटाइजेशन है उसको डिसेबल कर दिया, और वहां पर जो है वो रीजन उन्होंने जो है वो रीयूज कंटेंट बताया। इसके लिए उन्हें YouTube की तरफ से प्रॉपर मेल भी आया था, जिसमें क्लियरली ये बताया गया था कि हमने जब आपका YouTube चैनल रिव्यू किया था उस समय आपका कंटेंट जो है वो पर्टिकुलर सभी का सभी कंटेंट एक जैसा था, लेकिन अभी हमने ये देखा है कि आपके YouTube चैनल पर जो कंटेंट है वो पहले से अभी काफी चेंज हो गया है और काफी अलग तरह का कंटेंट अभी आपके YouTube चैनल पर है। यहां पर दोस्तों मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि 2021 में अगर आप अपने YouTube चैनल पर कंटेंट अगर चेंज
करना चाहते हैं तो मेक श्योर रखें कि मोनेटाइजेशन के पहले ही आप कोशिश करें कि जिस किसी भी एक कैटेगरी पर अपना यूट्यूब चैनल रखना चाहते हैं उसमें ही अपने यूट्यूब चैनल की सभी वीडियोस को बनाएं। एक बार यदि आपका मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाता है तो आप अपने कंटेंट में किसी भी तरह का बहुत बड़ा बदलाव ना करें, छोटे मोटे चेंजेस चल सकते हैं या आप अपने कंटेंट में छोटे मोटे बदलाव कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको मुझे जरूर बताएं, अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।